हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू स्वागत करती हूँ आप सभी का माई किचन में। आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी बनाने वाली हूँ, और इतना सॉफ्ट रोटी बना हुआ है ना फ्रेंड कि पूछिए मत। जब हम मिलेट्स की रोटी बनाते हैं ना तो काफ़ी हार्ड बनता है, और हम हमेशा परेशान रहते हैं कि हमारी रोटी सॉफ्ट नहीं बनती है, मुलायम नहीं बनती है जिस तरह से गेहूँ का आटे का बनता है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसे ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे आपकी रोटी काफ़ी स्वादिष्ट भी बनेगी, सॉफ्ट भी बनेगी, और हमेशा जब बड़े बच्चे सभी सब खाएंगे ना तो हमेशा उसकी डिमांड करेंगे कि आप इसे ज़रूर बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे बाजरे मैं ले रही हूँ, आटा है 2 कप, और 2 कप आटा लेने के बाद यहाँ से 5 से 6 मीडियम साइज़ का मैं आलू ले रही हूँ, कच्चा आलू है, और इसे छील करके अच्छी तरह से धो लेंगे। और यहाँ पर अदरक लहसुन और हरी मिर्च ले रही हूँ मैं, तो लहसुन को भी छील लेंगे अच्छी तरह से। लहसुन छीलना काफ़ी डिफ़िकल्ट काम लगता है, तो मैं यहाँ सबसे आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। आप जब लहसुन छीले तो वो नीचे का पोर्शन से ना उसको नीचे की तरफ दबाएं तो वो मुंह खुल जाता है, और इतना इजली वो छिल जाता है। आप इस तरह से कितना भी लहसुन छिल सकते हैं और पता ही नहीं चलता है कि आपने लहसुन छिला, कोई मेहनत नहीं लगती है। तो मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगती है। आप कैसे लहसुन छीलते हैं ये हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे मैं लहसुन को भी छील चुकी हूँ, आलू को भी छील चुकी हूँ। तो आलू को अब क्या करेंगे, अच्छी तरह से धो लेंगे और इसका छोटा छोटा टुकड़ा काटेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन टुकड़ा नहीं करना है, बस हमें इतना छोटा टुकड़ा करना है कि जब मिक्सी के जार में मैं इसे डालूँ तो वो फाइन पेस्ट बन जाए। इस तरह से सभी आलू को काट लेंगे। यहाँ पर मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले रही हूँ, इसे भी छोटा छोटा काट ले रही हूँ। हरी मिर्च यहाँ पर मैं 2-3 ली हूँ। आप कितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और लहसुन की कलियाँ यहाँ से 10 से 12 हैं। अगर आपके पास बड़ी बड़ी लहसुन हो तो 3 से 4 ही लीजिएगा। और इसका मैं फाइन पेस्ट बना रही हूँ, तो इसे मिक्सी में 1 से 2 बार चलाएंगे। उसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च 1 टीस्पून और जीरा 1 टीस्पून। इन सभी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैं 1 कप दही भी डाल रही हूँ। दही से ना जो रोटी होता है उसका स्वाद तो बढ़ता ही है और सॉफ्टनेस भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो उसके बाद कढ़ाई गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे तेल, मंगरेला, अजवाइन, हींग। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून हींग ली हूँ। अगर आपका हींग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो 1/4 टीस्पून लीजिए। और इसके बाद इसमें प्याज डालेंगे और प्याज डाल करके अच्छी तरह से भून लेंगे। दो कप के आटा के हिसाब से मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद जो मैं दही और आलू का पेस्ट बनाई थी उसे मैं इसी में डाल दे रही हूँ, और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, वही जो मिक्सी का जार में मैं पानी को चला ली थी ना, तो उसी से। और फिर इसमें आटा डालेंगे, फ्लेम को लो करके ही आटा डालेंगे, नहीं तो पता चलेगा कि काफ़ी उसमें गांठ पड़ गए हैं आटा में। और जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो अब इस स्टेज पे ना मैं क्या करूँगी, फ्लेम को मीडियम कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सा मिक्स हो चुका है। तो इसे कुछ देर चलाएंगे, उसके बाद इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और इसमें आप चाहे तो अपने मनपसंद धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं और कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं। जब आटा ठंडा हो जाएगा तो इसे अच्छी तरह से गूंथ लेंगे।
अगर आपका आटा लगे थोड़ा कि हार्ड है तो उसमें गुनगुना पानी से थोड़ा सा छींटा मार करके आप उसे गूंथ सकते हैं, और लगे कि थोड़ा सा गीला हो गया है तो बाजरे का जो आटा है उसे आप थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं तो उससे आटा टाइट हो जाएगा। आप चाहें तो बाजरे के आटे अगर टाइट करना है और गीला हो गया आटा तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिला सकते हैं, और इस तरह से इसे काफ़ी अच्छी तरह से पटक पटक करके थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे, मल लेंगे। जितना अच्छा इसकी धुनाई होगी, जितना अच्छा इसे गूँथेंगे, उतना ही अच्छा रोटी बनेगा सॉफ्ट सा। अब तो यहाँ पर मैं गेहूं का आटा ली हूँ सूखा हुआ, आप चाहे तो बाजरे का भी आटा ले सकते हैं लेकिन मैं यहाँ गेहूं का ही आटा ली हूँ। और एक बड़ा सा लोइया लेकर के आप जिस साइज़ का भी रोटी बनाना चाहते हैं उसी साइज़ का, मैं नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा ली हूँ और नहीं बहुत ज़्यादा छोटा, मैं मीडियम साइज़ का ले रही हूँ। और इसके बाद इसमें आटा में पूरी तरह से लपेट करके और इसके बेलेंगे, बिल्कुल जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं ना नॉर्मल रोटी, बिल्कुल उसी तरह से इसे भी बेल लेंगे। ये देखिए चारों तरफ ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का क्रैक्स आया है, तो उससे कोई बात नहीं है, ये मिलेट्स है तो मिलेट्स में तो इतना आते आई हैं। और तवा को गर्म करके इस पे डालेंगे रोटी को। फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से बाजरे का रोटी बनाएंगे ना तो आप हमेशा हफ्ते में तो 3-4 दिन बना ही देंगे। इसे बनाना भी बिल्कुल आसान है और स्वाद तो पूछिए मत, स्वाद तो इतना लाजवाब है इसका कि जब आप खाएंगे तो ही बताएंगे कि कितना बढ़िया इसका टेस्ट है। और उलट पुलट कर पकाते हुए ना रोटी बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैं प्याज वगैरह ये सब डाली थी ना, तो ये बिल्कुल सादे रोटी की तरह तो फूलता नहीं है लेकिन फिर भी फूल जाता है अच्छी तरह से। देखिए थोड़ा थोड़ा फूल गया है, और इसमें डालेंगे घी, जब घी डालेंगे तो ये और भी फूल जाएगा। ये देखिए किस तरह से फूल रहा है, और रोटी कितना बढ़िया सा गोल्डन हो चुका है। मेरे बच्चे ना बाजरे का रोटी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब इस तरह से बनाई थी ना तो उन्हें इतना पसंद आया था कि पूछिए मत, हर बार बोलते हैं मम्मी आप यही रोटी बनाओ। और इसी तरह से मैं सभी रोटी को बना लूँगी। ये देखिए मैं उलट पलट कर दूसरा रोटी भी डाल चुकी हूँ और यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। तो इसमें मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी के जगह पे तेल, रिफाइन, बटर कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी च्वाइस से, आपको जो पसंद हो। लेकिन अगर आप बटर या घी डालते हैं ना तो रोटी का स्वाद और भी बढ़ जाता है। और इसी तरह से सभी रोटी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं सब्जी, रायते, दही, आपको जो भी पसंद हो उसके साथ इसे एंजॉय कीजिए। आप चाहे तो इसे चटनी और अचार के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। और ये देखिए कितना टेस्टी और डिलीशियस रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर।